आज की वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे हम अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि क्या होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स क्या हिस्ट्री रह चुकी है इनकी कब इस्टलिश हुए थे क्या ड्यूटीज़ और फंक्शंस हैं इलेक्शन कमिश्नर्स की सब डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में पूरी डिटेल से लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो इलेक्शन कमीशन एक परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 और आर्टिकल 324 बात करता है इलेक्शन कमीशन की 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश हुए थे इंडिया में अगर हम इलेक्शन कमीशन की हिस्ट्री देखें तो काफ़ी बार इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस किए गए हैं जैसे ईयर 1950 टू 1989 इंडिया में सिर्फ एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और सुकुकर्मन सेन इंडिया के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जो ट्वेंटी फर्स्ट मार्च नाइनटीन फिफ्टी टू नाइनटीन दिसंबर नाइनटीन फिफ्टी एट तक थे फिर नाइनटीन एटी नाइन टू नाइनटीन नाइन्टी दो और कमिश्नर ऐड कर दिए मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो इलेक्शन कमिश्नर और 1992 1992-1993 दोबारा सिंगल मेंबर कमेटी बना दी गई और उस टाइम फर्स्ट वुमेन और नाइन्थ चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए थे वी एस रमा देवी था और वो 26 नवंबर 1992 11 नाइन्टी टू इलेवन दिसंबर नाइनटीन तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे फिर 1993 में एक अमेंडमेंट होती है जिसमें बोला जाता है कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चार से ज़्यादा इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट नहीं कर सकते फाइनली 1 अक्टूबर 1993 में दो इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट होते हैं और करंटली इंडिया में इलेक्शन कमीशन थ्री मेंबर बॉडी है यानी कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया में इलेक्शन कमीशन थ्री मेंबर बॉडी इसलिए बनाएगी ताकि बिना बायस के फेयर डिसीजन लिया जाए चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन हैव इक्वल पावर्स सेम सैलरी एंड सेम अलाइंस अगर कोई भी डिस्प्यूट सॉल्व करना होता है तो मेजॉरिटी से सॉल्व किया जाता है चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन दोनों को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन काफी फंक्शन एंड ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं जैसे कि डिटरमाइन करते हैं इलेक्टोरल टेरिटोरियल एरियाज को प्रिपेयर करते हैं इलेक्टोरल रोल मतलब रजिस्टर करते हैं सारे एलिजिबल वोटर्स को इलेक्शन के सारे शेड्यूल कि कब इलेक्शंस होंगे और नॉमिनेट मेंबर्स की लिस्ट कब देनी है वो सारा शेड्यूल कौन रेडी करते हैं हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स ही करवाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को रजिस्टर करते हैं और पार्टीज़ के सिंबल्स को भी ग्रांट करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट यानी क्या रूल्स होंगे जो पार्टी को इलेक्शन टाइम फॉलो करने हैं जैसे कि आप किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाके रैली नहीं कर सकते हैं किसी भी सिटीजन को वोट करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं ऐसे कुछ रूल्स हैं जो इलेक्शन कमिश्नर्स पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करने के लिए बोलते हैं अगर कोई एम या एम रूल्स के अगेंस्ट जाता है या कुछ भी गलत करते हैं तो वो प्रेजिडेंट और गवर्नर को बोल सकते हैं उस मेंबर को रिमूव करने के लिए पोल्स कैंसिल भी हो सकते हैं अगर किसी भी बूथ में कोई भी रेगिंग की जा रही हो या कोई भी वॉयलेंस देखा जाए तो उस जगह पे पोल्स को कैंसिल किया जाता है और अगर कोई भी इलेक्शन करवाने के लिए किसी भी स्टाफ मेंबर की जरूरत होती है तो वो प्रेसिडेंट या गवर्नर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं स्टाफ अरेंज करने के लिए अब इलेक्शन कमीशन कौन कौन से इलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट लोकसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव असेंबली और अगर दूसरी साइड हम देखें पंचायत और म्यूनिस्पालिटी इलेक्शन तो उन इलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्टेट इलेक्शन कमीशन ये ध्यान दीजिएगा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन दो डिफरेंट और इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज हैं और अगर इनके टेन्योर की बात की जाए तो सिक्स ईयर या फिर सिक्सटी फाइव इयर्स ऑफ एज है विच एवर इज अर्लियर और अगर किसी भी इलेक्शन कमीशन को पहले रिमूव करना है तो वो चीफ इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन से ही हो सकता है पर अगर कोई भी इलेक्शन कमीशन रिजाइन देना चाहता है तो वो अपना रिज़ाइन प्रेसिडेंट को दे सकते हैं इलेक्शन कमीशन अरुण गोल जी ने नाइन्थ मार्च 2024 को रिज़ाइन किया है प्रेजेंट हमारे चीफ इलेक्शन कमीश्नर है श्री राजीव कुमार और दो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं डॉक्टर सुखबीर सिंह एंड डॉक्टर श्री गणेश कुमार हमारे इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा की इलेक्शन डेट इलेक्शन शेड्यूल वोटर लिस्ट एंड मैप सेवन फेस ऑफ लोकसभा इलेक्शंस अनाउंस किए हैं 2024 के उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा अगर हाँ तो प्लीज सब्सक्राइब टू तो माय चैनल दैट्स इट फॉर द नाउ सी यू इन द नेक्स्ट क्लास